जदयू विधायक संजीव को जान से मारने की मिली धमकी। एक युवक ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी धमकी। खगड़िया जिले के पर्वता विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। नीतीश कुमार नाम के एक युवक ने फेसबुक पोस्ट के जरिए विधायक को आज गोली मारने की धमकी दी। आरोपी युवक ने पर्वता ब्लॉक के जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष गौतम पोदार के फेसबुक अकाउंट पर धमकी भरा पोस्ट किया, लिहाजा गौतम पोदार ने पर्वता थाना में आरोपी युवक के खिलाफ आवेदन दिया। आवेदन मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इन सबके बीच विधायक संजीव ने बयान जारी किया, जिसमें पुलिस प्रशासन से आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि डॉक्टर संजीव पिछले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था, जिसमें खगड़िया SP अमितेश कुमार पर आरोपियों से साठगांठ रखने का आरोप लगाया था, साथ ही अपने जान को खतरे में होने की भी बात कही थी। विधायक ने मुख्यमंत्री से खगड़िया SP को जिले से हटाने की भी मांग की थी। उस पर कमेंट किया था कि कल शाम तक उनको गोली मार देंगे। पर्वता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी का नाम लिखकर भयभीत हो गए। उसके बाद हम पर्वता थाना आए, उसके बाद हम पर्वता थाना में आवेदन दिए हुए हैं। जी, ये बात सही है कि आज सुबह हमारे कार्यकर्ता हैं प्रखंड उपाध्यक्ष हैं गौतम पोदार, सोशल मीडिया फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट किया था, जिसपे एक कमेंट किए एक नीतीश कुमार नाम के व्यक्ति ने कमेंट किया कि डॉक्टर संजीव कुमार पर्वता विधायक को कल गोली मार दी जाएगी। ये बहुत दुखद घटना है। ये सुशासन की सरकार है, उनको अभी तक पता नहीं है अपराधियों को कि उनके साथ क्या होगा। इसके इस संबंध में श्री गौतम कुमार ने पर्वता थाना में आवेदन दे दिया है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। इसकी सूचना मैं खुद थाना प्रभारी को दे दिया हूं, DGP को भी इसकी सूचना दे दी गई है, हमारे PA द्वारा SP को भी सूचना दे दी गई है इसकी, SP खगड़िया को। अभी SP खगड़िया का काम है उसके बारे में पता करें कि अपराधी कौन है और उसमें संलिप्त इस घटने में जितने भी लोग हैं इस घटना में अपराधी चरित्र के लोग, उनका पता करें और अविलंब उसकी गिरफ्तारी कर हमें सूचित करें और इस पे कार्रवाई होना अति आवश्यक है, नहीं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा। पहले भी हम पे जो अटैक हुआ था, चुनाव में हमला हुआ था, वो भी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो यही कारण है, हमें लगता है कि अपराधियों का मनोबल खगड़िया में बढ़ा हुआ है, इसलिए वो बार बार ऐसी घटना करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कि सुशासन की सरकार में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस संबंध में मैं फिर से दोबारा DGP से भी बात करूंगा।